प्रोफेसर अनिल गुप्ता लोक विद्या और नवोन्मेष के विद्वान हैं। हमारे समाज में ये बात है कि अगर करुणा या सहिष्णुता होनी चाहिए तो वो चींटी के लिए भी होनी चाहिए, खाली सिर्फ कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, बड़े टाइगर के लिए हो या शेर के लिए होगी या औरों के लिए होगी, ऐसा नहीं है, मतलब सबके लिए है। तो ये जो चींटी वाली बात मुझे याद आती है, क्योंकि चींटी की हमने कहानी पढ़ी थी, वो चींटी को, एक हाथी को तंग करता था वो, मतलब हाथी को अगर आप चींटी चली जाए उसकी नाक में तो हाथी बौखला जाता है, मतलब छोट कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी निस्सहाय नहीं है। अब कई बार कमजोर लोगों की जमीन जो होती है उस जमीन को हम लोग हथिया लेते हैं या उसको हम जमीन पे नहीं खड़े होने देते, तो वो कमजोर हो जाते हैं, वरना तो कमजोर कोई होता नहीं है। हमने तो ये साबित किया है पूरे देश में घूमकर शोध यात्राओं के जरिए कि भाई जिनको हम गरीब समझते हैं आर्थिक रूप में, वो दिमाग से तो गरीब नहीं है। तो मतलब कि हर एक को आप जगह दे दीजिए खड़े होने की, उसकी ताकत बाहर आ जाएगी। और ये जो हिंसा है या हिंसा कहें इसका, हिंसा वही होती है जब किसी की जमीन छीन लेते हैं, किसी की पहचान, किसी की जमीन, किसी की ताकत का आधार जब हम ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हम निर्बल बना देते हैं और उसका उसको भयभीत भी कर देते हैं कई बार। तो इसलिए वो है ना, पाप का भागी नहीं है केवल व्याघ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये भी एक हिंसा का उदाहरण है, जब अन्याय हो रहा हो और आप निरपेक्ष भाव से बैठे हुए हैं चुपचाप कि भाई मैं तो वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, तो वो भी हिंसा है ना। आप जो कमजोर है उसके खिलाफ हिंसा को होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ अन्याय को होने दे रहे हैं और आप अपने किनारे पे बैठे हैं जी, जी, तो वो भी हिंसा है। तो इसलिए कई रूप है हिंसा के। देखिए स्वाभिमान और स्वाभिमान या आत्मसम्मान और हिंसा का बड़ा नजदीकी संबंध है। आप सबसे पहले हिंसा जब करते हैं जब किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं, किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग पंचमहल से उतरे, पहाड़ी से नीचे झबुआ की तरफ गए, बहुत सब गर्मी थी, बहुत प्यासे थे, थोड़ी दूर में गए थे, एक झोपड़ी दिखी, एक ही झोपड़ी थी वहां पर, काका थे, उनसे कहा कि काका प्यास लग रही है, पानी मिलेगा? बोले हाँ जरूर मिलेगा, बैठ जाओ सब लोग। हम 30-35 लोग थे शायद, तो उन्होंने पानी हमको दिया, हमने पानी पिया। आसपास कोई पानी का साधन स्रोत का दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा बाबा पानी कहाँ से लाए? बोले वो दूर उधर एक कुआं है वहां से लाते हैं। तो हमारी अज्ञानता देखिए या हमारी बेवकूफी देखिए, हमने कहा अच्छा बाबा हम पानी ला रहे हैं वहां से जाकर, क्योंकि अब तो सारा पानी हमने पी लिया। तो बोले ऐसा है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन इतना गरीब नहीं हूं कि तुम पानी ना पिला सकूं। तो हम शर्मसार हो गए, लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि वो सबक जो उन्होंने सिखाया उस दिन अभी तक याद है। हमने उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचा दी थी, अनजाने में हमने हिंसा की। वे देखिए मैं सचता हूं, लेकिन की तो थी, क्योंकि पानी तो पांगा था, लेकिन उनके लिए एक पथिक को, एक प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम था। आप उनसे पुण्य भी ले जा रहे हैं, उनकी इज्जत आपने, उनके एक तो पानी पिया, दुआएं देते तो अलग थी बात, आपने चोट लगा दी। तो वो तकलीफ अभी भी है दिल में कि कई बार हम जब किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं और हम महसूस नहीं करते कि वो भी हिंसा होती है। हिंसा एक रूप में तो बड़ी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम खाली उसी की तरफ देखेंगे ना, बढ़ती हुई हिंसा की तरफ, तो हम हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे समाज में रहकर समाज को बदलने की। ये मतलब है मेरा कहने का। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि ये समाज में वो सब तत्व बाकी हैं अभी भी जिनसे समाज करुणामय और सहयोग वाला, मिलके काम करने वाला, लोगों के प्रति नम्रता और करुणा को रखकर काम करने वाला समाज बनता है, बना है, अभी भी है कहीं कहीं पर, उसको और फैलाना है। ये हिम्मत कहाँ से लाओगे बताओ, मुझे बताओ, जब चिड़िया की चोंच की चिंता देखोगे तो आएगी ना हिम्मत। इसलिए मैं संवाद के माध्यम से आपसे ये कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समाज में अन्याय हो, कितनी भी समाज में हिंसा बढ़े, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है कि समाज में
अभी भी वो गुण बाकी है जिसको यदि हम फैला देंगे तो समाज सही हो जाएगा। लेकिन समस्याओं के साथ जीने का, अन्याय के साथ जीने का, किसी का शोषण हो रहा है उसके साथ जीने से आपको आदत पड़ जाती है। हमारी भाषा, हमारा जीवन शैली, हमारा तरीका ऐसा ही हो जाता है जिसके अंदर हमें फिर परेशानी नहीं होती उस शोषण से। वरना कैसे हो सकता है ये देश कि करोड़ों लोग जा रहे थे, हमने एक छोटा सा उसमें प्रयास किया, मैं उस उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ अपनी बात को, खाने के बदले ज्ञान। तो हमने कहा, हमने अन्नपूर्णा नाम से ज्ञान, मेरे साथी हैं नामिका और बाकी लोग किशोर ज्ञान में, तो उन्होंने कहा कि सर ये 700 लोग हैं, ये अभी अटके हुए हैं, इनको खाना की दिक्कत हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ दिया है। हमने कहा चलो हम खाना खिलाएंगे उनको, लेकिन ऐसे नहीं खिलाएंगे कि उनको लगे कि हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान था, मैंने परमिशन ली पुलिस से, मैं गया उनके पास, उनको समझाया कि भाई देखो ऐसा है, हम खाना देंगे, आप हमको ज्ञान देना अपना, ताकि आपको ना, आपके पास जो चीज है वो हमको कहीं से नहीं मिलेगी, हम जो दे रहे हैं वो तो आपको कहीं से मिल जाएगा, मतलब हम जो दे रहे हैं वो कम कीमत का है, आपके पास जो है वो ज्यादा कीमत का है, एहसान आपका हम पे रहे, हमारा एहसान आप पे नहीं है। थोड़ी गरिमा पैदा करने की कोशिश की उस काम में, ताकि उस काम से हमें दमना हो जाए और उनको उनका स्वाभिमान चोट नहीं पहुंचा जाए। हमने ऐसे ऐसे अनुभव सीखे उस दौरान में, और 4-5 जगह किया, ये हमने कश्मीर में किया, मदुराई में किया, अहमदाबाद में किया, और मेरी इच्छा थी कि बाकी लोग जो थे सारे देश के वो करते थे, कितना अच्छा होता। हमारे इन लोगों का जो माइग्रेंट है उनके सिर्फ मजदूरी की बात नहीं करते, उनके दिमाग की बात करते हैं। लेकिन चलिए, जितना भी हुआ साबित हुई बात कि आप कोई भी संबंध हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको गरिमापूर्ण बना सकते हैं, उसमें से हिंसा को दूर कर सकते हैं, स्वाभिमान को और उनके स्वाभिमान को बचा सकते हैं।